हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड्डा। दोस्तों, आज मैं फिर लेकर आया हूँ नई जॉब की जानकारी जो संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट लखनऊ द्वारा निकाली गई है, जिसमें ड्राइवर, स्टाफ नर्स और कई वैकेंसी हैं, जिसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी और इसका फॉर्म कैसे फिल करना है इसके बारे में बताया जाएगा। लेकिन इससे पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें, जिससे आपको सभी लेटेस्ट वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बात करते हैं जॉब के बारे में डिटेल में। सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट नेम की। तो इसमें सिस्टर ग्रेस सेकेंड यानी कि स्टाफ नर्स की वैकेंसी है, जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की वैकेंसी है, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट एमएलटी की वैकेंसी है, टेक्नीशियन रेडियोग्राफी की वैकेंसी है, टेक्नीशियन रेडियोलॉजी की वैकेंसी है और ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड तथा मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर की वैकेंसी है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें, स्टाफ नर्स की टोटल 617 वैकेंसी है, जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की 23 वैकेंसी है, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की 134 वैकेंसी है तथा टेक्नीशियन रेडियोग्राफी की 4 वैकेंसी है। वहीं पर टेक्नीशियन रेडियोलॉजी की 26 वैकेंसी है तथा ड्राइवर की टोटल 10 वैकेंसी है और मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर की 11 वैकेंसी है। अगर सैलरी की बात करें तो मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर की सैलरी 35,400 से 112,400 के बीच में होगी। वहीं पर ड्राइवर की सैलरी 19,900 से 63,200 के बीच में होगी। टेक्नीशियन रेडियोलॉजी की बात करें तो इसकी सैलरी 35,400 से 112,400 के बीच में होगी। टेक्नीशियन रेडियोग्राफी की सैलरी और मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट एमएलटी की सैलरी 35,400 से 112,400 के बीच में होगी। वहीं पर जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की सैलरी 29,200 से 92,300 के बीच में होगी, जबकि स्टाफ नर्स की सैलरी जो है 44,900 से 142,400 के बीच में होगी। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो सबसे पहले बात करेंगे स्टाफ नर्स के एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। इसमें कैंडिडेट को डिप्लोमा पास होना चाहिए जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी जीएनएम में और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर कैंडिडेट को बीएससी नर्सिंग पास होना चाहिए या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग पास होना चाहिए। वहीं पर जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की बात करें तो कैंडिडेट को 12वीं पास होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ। उसके साथ साथ 2 साल का डिप्लोमा पास होना चाहिए मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में। वहीं पर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की बात करें तो इसमें कैंडिडेट को बैचलर डिग्री पास होना चाहिए मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में। अगर टेक्नीशियन रेडियोग्राफी की बात करें तो कैंडिडेट को 12वीं पास होना चाहिए साइंस में। उसके साथ साथ कैंडिडेट के पास डिप्लोमा होना चाहिए रेडियोलॉजी में या फिर रेडियोग्राफी में, और उसके साथ साथ 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर कैंडिडेट को बीएससी पास होना चाहिए रेडियोलॉजी या फिर रेडियोग्राफी में। अब बात करते हैं टेक्नीशियन रेडियोलॉजी की। तो इसमें कैंडिडेट को 12वीं पास होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट के साथ और डिप्लोमा पास होना चाहिए रेडियोग्राफी में और 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर कैंडिडेट को केवल बीएससी पास होना चाहिए रेडियोग्राफी में। अब बात करते हैं ड्राइवर की। तो इसमें कैंडिडेट को 8वीं पास होना चाहिए और कैंडिडेट के पास डीएल होना चाहिए तथा 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर की बात करें तो इसके लिए कैंडिडेट को सोशल वर्क में मास्टर डिग्री पास होना चाहिए, और अगर एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की एज जो है 21 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए। वहीं पर अगर एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल और ओबीसी के लिए 500 रुपये एप्लीकेशन फीस होगी, वहीं पर एससी एसटी के लिए 300 रुपये एप्लीकेशन फीस होगी। फॉर्म भरने की जो डेट है 10 जुलाई 2020 से स्टार्ट हो जाएगी। फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बारे में अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में नहीं बताया गया है। अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हैं तो मैंने इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां पर जाकर इसको पढ़ सकते हैं। और ये वीडियो देखने के लिए तथा मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।